हेलो वेलकम वेलकम फ्रेंड माय फ्रेंड्स, हमारा ये माइनी जनरेशन 10 ये वीडियो हम आज चालू कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। इस हम लोगों ने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में ये देखा माइनी जनरेशन 9 में एमएमआर के चैप्टर 15 और सीएमआर के चैप्टर 14 में एक्सप्लोसिव एंड शार्ट फायरिंग के अंतर्गत जो भी प्रोविजन्स थे और जो भी रेगुलेशंस थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की और उसका एनालिसिस किया और उसमें क्या क्या अंतर हैं ये भी हम लोगों ने देखा अलग से। और पिछले 3 वीडियो से हम इसी एक्सप्लोसिव एंड शार्ट फायरिंग पे ही काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो हमारे को आप जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोग को काफी सहायता करेंगे उनको पास करने के लिए, क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव एंड शार्ट फायरिंग जो चैप्टर है ये सारे के सारे माइनी एग्जामिनेशन कोई भी हो, चाहे मैनेजर का हो, चाहे शार्ट फायर का हो, चाहे ब्लास्टर का हो, चाहे सदार का हो, चाहे ओवरमैन का हो, उसमें ये पूछा ही जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए जो भी अगर आप लोग इसको एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं या कोई भी आप कुछ काम कर रहे हैं या मैंने कुछ एग्जामिनेशन संबंधी कुछ काम कर रहे हैं तो वो आपको जरूर काम आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, मेटल माइंस रेगुलेशन 157 और को माइंस रेगुलेशन 186, इसमें केसेस एंड कंटेनर्स फॉर कैरिंग द एक्सप्लोसिव इस नाम से ये रेगुलेशन है। इसमें ये पहला पॉइंट इसका ये है कि कोई भी बारूद मैगजीन से सिर्फ और सिर्फ केसेस और कंटेनर्स या पात्र या बॉक्स में ही दिया जाएगा। ये ऐसे सारे कंटेनर बॉक्स या पात्र मजबूत बनावट के होंगे और सुरक्षित रूप से ताला लगाकर रखे गए होंगे, ऐसे पात्रों में ही बारूद दिया जाएगा। अगर केसेस और कंटेनर्स पेटी पात्र या बॉक्स अगर लोहे के बने हुए हैं, अगर लोहे के बने हैं तो उन्हें भारी रूप से गैल्वेनाइज या जस्तीकरण किए गए होंगे और डिटेंडर की ढलाई या उसके परिवहन के लिए कोई भी धातु या सुचालक धातु के बने या कंडक्टर जो कंडक्टिव मैटर के बॉक्स में डिटोनेटर की ढुलाई नहीं की जाएगी या उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा डिटोनेटर को ढोने के लिए। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि कोई भी डिटोनेटर को परिवहन के लिए ऐसे पात्र या पेटी में नहीं रखा जाएगा जिसमें कोई पहले से अन्य बारूद या कोई सामान या कोई मटेरियल या कोई औजार या टूल्स रखे हुए हों। कोई भी दो प्रकार के डेटोनेटर को, दो कंपनी के या दो प्रकार के डेटोनेटर को एक साथ एक ही पात्र में या एक ही पेटी में या एक ही बॉक्स में नहीं ढोया जाएगा, परंतु यह रेगुलेशन का जो ये पार्ट है सिर्फ प्राइमर कार्टिज जिसमें डिटोनेटर पहले से फिट हुए हैं, डिटोनेटर लगा कर रखा गया है कि परिवहन पर एक ही बॉक्स में ले जाने के लिए रोक नहीं लगाता है। यानी प्राइमिंग कार्टेज जो है आप एक ही बॉक्स में ढो सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट यह है कोई भी डिटोनेटर को पात्र बॉक्स या पेटी से तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उसकी तुरंत इस्तेमाल करने की जरूरत ना हो।
और इसका अगला पॉइंट ये है, सिर्फ CMR 188 में मिली छूट या अनुमति कुछ की कंडीशन को छोड़कर कोई भी ऐसा पात्र, पेटी, बॉक्स, बर्तन में एक ही समय पर, एक ही स्थान पर 5 kg से ज़्यादा बारूद नहीं भरा जाएगा और उसका परिवहन नहीं किया जाएगा। इसमें ये क्लियर है कि 5 kg से ज़्यादा जो बारूद है, परमिशन अगर मिलती है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ आपको 5 kg से ज़्यादा बारूद को नहीं ढोना है। इसमें अगली बात यह है, परंतु चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चाहे तो अपने लिखित आदेश द्वारा और कुछ कंडीशन या कुछ शर्तों के साथ जो 5 kg वाली जो परमिशन है, ये जो अनुमति है, जो यह जो क्लास है, उसमें आपको छूट दे सकते हैं और 5 kg से ज़्यादा बारूद एक ही बॉक्स में आप ले जा सकते हैं, बस बट परमिशन चाहिए उसके लिए। अगले पॉइंट ये है, प्रत्येक पेटी, बॉक्स या कंटेनर या पात्र को नंबर डालकर रखा जाएगा और जहाँ तक संभव हो एक ही शॉट फायर या ब्लास्टर को रोज एक ही वही बॉक्स दिया जाए, अगर जहां तक संभव हो। इसका अगला पॉइंट ये है, प्रत्येक पेटी, कंटेनर, पात्र या बॉक्स में लगे हुए ताले की चाबी शॉट फायरर या ब्लास्टर द्वारा पूरी शिफ्ट भर अपने कब्जे में रखी जाएगी या अपने पास रखी जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन का पार्ट है ये, आप ध्यान रखिए। एग्जामिनेशन के टाइम पर ओरल जब होता है उस टाइम कैंडिडेट इसी में ट्रैप हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं, तो शॉट फायर ने चाबी पूरी सीट भर अपने जेब में या अपने पास रिटेन करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटल मास रेगुलेशन 158, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, यह रेगुलेशन CMR में भी है, इसी नाम से है, परंतु उसके कुछ प्रोविजंस अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे और हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या पॉइंट अलग हैं और क्या उसमें नहीं है। आप हम लोग जब अगला पॉइंट, अगला वो जो कोल माइंस रेगुलेशन वाला पार्ट लेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन चेंज होने के कारण थोड़ा सा इसमें अंतर है ट्रांसपोर्ट आप एक्सप्लोसिव के बारे में। इसका पहला पॉइंट ये है, मेटल माइंस में जब भी भारी मात्रा में बारूद को किसी वेंज या शाफ्ट में नीचे या ऊपर ले जाना हो, उस अवस्था में एक सिंबल या पहचान बताने वाला चिन्ह या कोई ऐसा तरीका या कोई बोर्ड या इस टाइप से उसमें उस केज या शॉट में लगा दिया जाएगा अलग से स्पेशली, कि वो अलग से आइडेंटिफाई हो या अलग से पहचान में आए कि इसमें बारूद है या जा रहा है, ताकि वो अलग से पहचाना जा सके। एवं बारूद जिसके संरक्षण में है
कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन ब्लास्टर शॉट फॉर ब्लास्टर भी उसी केज में ये बकेट में या स्किप में यात्रा करेगा। इसका अगला पॉइंट ये है, प्रत्येक केज स्किप या बकेट जिसमें भी बारूद का परिवहन हो रहा है उससे बहुत ही धीमे धीमे ऊपर या नीचे किया जाएगा। बैंक्समैन या बेलमैन का ये दायित्व है कि ड्यूटी है कि वह वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को पर्याप्त चेतावनी पहले से ही दे देगा कि इसमें बारूद ऊपर या नीचे किया जाना है। एवं अगला पॉइंट, जहां पर बारूद को लेडर्स सीढ़ी के द्वारा ले जाया जा रहा हो या लाया जा रहा हो या लाया और ले जाया जा रहा हो, ऐसे प्रत्येक बॉक्स को या पेटी या बर्तन को ढोने वाले व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ अटैच किया जाएगा या बांधा जाएगा या उसे बहुत फास्टनिंग किया जाएगा। खुदाई किए जा रहे शॉफ्ट में या सिंकिंग शॉफ्ट में कोई भी व्यक्ति ब्लास्टर को छोड़कर प्राइमिंग कार्डेज की ढुलाई नहीं करेगा। और कार्टेज को मजबूत मोटे थैले में या कोई ऐसा अन्य पात्र या बर्तन में झटके से बचाने के लिए ही के लिए उपयोग किया जाएगा या उस पात्र में रखकर ही ले जाया जाएगा ब्लास्टर के द्वारा। अब आता है कोल माइंस रेगुलेशन 187, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। जब बारूद को सीढ़ी से ढोया या ले जाया जा रहा हो तो उसे ढोने वाले व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ अटैच किया जाएगा या बांध कर रखा जाएगा। इसका पहला पॉइंट यह है। अगला पॉइंट यह है, सिंकिंग हो रहे शॉफ्ट या खुदाई किए जा रहे शॉफ्ट में शॉट फायर के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति प्राइमिंग कार्टेज का परिवहन नहीं करेगा और धुलाई के दौरान झटके या शॉक्स से बचाने के लिए प्राइमिंग कार्टेज को मोटे थैले में या अन्य किसी सुरक्षित केस कंटेनर्स या बॉक्स में या पात्र में किया जाएगा ताकि प्राइमिंग कार्टेज को झटका ना लगे। तो ये हो गया CMR 187 का पार्ट, और आज हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और ये इसकी अंतिम स्लाइड है, अगले वीडियो माइनिंग एग्जामिनेशन 11 और माइनिंग एग्जाम के जो ओरल पे हम लोग जो वेल हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं माइनिंग एग्जाम स्ट्रेटेजी 1, और अब ये बन रहा है एग्जाम स्ट्रेटेजी 2 के नाम से। इसमें
इसमें माइनिंग के अलावा और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसको भी कवर किया गया है, उसकी भी टेक्निक क्या होगी और कैसे उसको आदमी क्रैक करे, इसमें सारे उपयोगी पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि मूड आप एग्जामिनर्स, एग्जामिनर का मूड कैसे अच्छा रहता है, ख़राब रहता है, मेंटलिटी एग्जामिनर की, एग्जामिनेशन एग्जामिनर की मेंटलिटी क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये बताई जाएगी आपको, बर्थ ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जन्म कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो कैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए भस्मासुर बन जाता है, या हमारे को भस्मासुर से मेरा मतलब ये कि कई बार हम लोग क्वेश्चन को खुद ही जन्म दे देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन का जन्म कहाँ से होता है और कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना पैदा हो जाए, ये हम उसमें बताएंगे आपको। और सो प्लीज़ ये हम आपको थैंक यू देते हैं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।